नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में मॉनसून सक्रिय है, हालांकि अभी भी कुछ जिलों में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो फिलहाल बिहार में अगले दो दिन बारिश के पूरे पूरे आसार है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में शुक्रवार और शनिवार को बारिश के आसार जताए गए हैं। इस दौरान बादल छाए रहेंगे, दिन के पारे में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जबकि रात के तापमान में कोई परिवर्तन के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान न केवल दिन के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई, बल्कि रात का पारा भी 1.6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पर उमस भरी गर्मी अभी भी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 9 जुलाई के बाद से बिहार के लगभग सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। वहीं अगर अब हम जिलावार मौसम का हाल जाने तो वेस्ट चंपारण, सिवान, सारण, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज में कुछ जगहों पर बारिश हो सकते हैं। इसके साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया में भी अधिकांश हिस्सों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नालंदा, पटना, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा में भी कुछ जगहों पर बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं बिहार के कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट की माने तो 9 जुलाई के बाद सूबे में और ज्यादा मॉनसून सक्रिय होने लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न हवा के दबाव और नमी का सिस्टम कमजोर हो रहा है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से होते हुए बिहार झारखंड तक कोई साइक्लोन सर्किल का क्षेत्र सक्रिय नहीं है। यही कारण है कि बिहार के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी बारिश में कमी देखने को मिली है। इसी के साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि राज्य के समस्तीपुर, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने के आसार है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके कारण उत्तरी बिहार के कुछ भागों में बारिश हो रही है, खासकर नेपाल की तराई वाले इलाके में। वहीं दूसरी तरफ ट्रफ लाइन पूरे बिहार से झारखंड होते हुए उड़ीसा तक जारी है। इसके कारण राज्य के दक्षिण भाग में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की स्थिति 9 जुलाई के बाद बनी रहने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।